फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रश्मि। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि डेक्सुलेक और लैक्टोजेन में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि डेक्सुलेक और लैक्टोजेन एक ही प्राइस ब्रैकेट में आते हैं और एक ही तरीके से बच्चों में यूज होता है, तो इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम आप प्लीज इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताइए। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाली हूं, साथ ही मैं आपको ये बताने वाली हूं कि कौन सी चीज हमें कब लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर रश्मि और आप देख रहे हैं बेबी केयर लाइव। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस और देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क मतलब माँ का दूध ही सबसे उत्तम आहार है। माँ के दूध से बेटर कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर किसी वजह से माँ का दूध नहीं बन पा रहा है या फिर कम बन पा रहा है, बच्चा भूखा रह जा रहा है या फिर और कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला मिल्क जो होता है वो काऊ के मिल्क को ही और ज्यादा प्रोसेस करके उसे बेहतर बनाया जाता है, ताकि वो बच्चे को इजी वे में डाइजेस्ट हो जाए। फॉर्मूला मिल्क में होता है मिल्क सॉल्यूट जो प्रोवाइड करता है बच्चे को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। साथ में इसमें फैट के लिए होते हैं सैफ्लोवर ऑयल हो सकता है या फिर पाम ऑयल हो सकता है या फिर कोई और ऑयल होते हैं। इसमें होते हैं बहुत सारे विटामिंस और मिनरल्स जो कि आपके बच्चे की नीड्स को पूरी करने में हेल्प करते हैं। और इसमें ब्रेन ग्रोथ के लिए होता है DHA और ओमेगा 3 फैटी एसिड और साथ ही इम्यूनिटी बूस्टिंग सब्सटेंस होते हैं जैसे कि न्यूक्लियोटाइड। ये सारी चीजों से मिलकर बना होता है फॉर्मूला मिल्क। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मूला मिल्क से 100% बेटर होता है, क्योंकि उसमें होते हैं बिल्कुल नेचुरल मॉलिक्यूल्स। तो अब हम बात करते हैं डेक्सुलेक और लैक्टोजेन के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप जानते हैं दोनों का प्राइस लगभग सेम है, इसलिए प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करें एनर्जी की तो दोनों ही बराबर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो एनर्जी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करें फैट की तो डेक्सुलेक में थोड़ा सा ज़्यादा फैट है, और अगर हम बात करें बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स की तो अप्रॉक्सीमेटली सारे न्यूट्रिएंट्स सेम है दोनों में। डेक्सुलेक में थोड़े कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा है। ओवरऑल दोनों में न्यूट्रिशनली ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फिर डिफरेंस क्या है? अगर मैं बात करूं डेक्सुलेक की तो डेक्सुलेक में बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड को पूरी करने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट है। अप्रॉक्सीमेटली 36 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, विटामिंस और मिनरल्स इसमें है, तो बच्चे की ये नीड को इजिली पूरी कर सकती है। साथ ही इसमें है FOS जो है फ्रुक्टोओलिगोसैकेराइड। फ्रुक्टोओलिगोसैकेराइड एक प्रकार का शुगर होता है जो जब बच्चे के पेट में जाता है तो उसमें बहुत सारी हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देती है। ये हेल्दी बैक्टीरिया इस शुगर को खाती है और ये इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गट हेल्दी रहता है। गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा होता है, बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ कम होता है। तो ये एक प्रकार का प्रीबायोटिक है जो बच्चे के गट को हेल्दी रखता है। इस प्रीबायोटिक का कितना फायदा होता है बच्चे पे, इस पे बहुत सारी स्टडीज अभी होनी बाकी हैं, इसीलिए कंक्लूसिव एविडेंस से नहीं कहा जा सकता कि ये बच्चे के लिए बहुत एसेंशियल है या मस्ट है। जो बच्चे डेक्सुलेक लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी के अकॉर्डिंग उनका जो स्टूल रहता है उसका pH लोअर रहता है और स्टूल की कंसिस्टेंसी अच्छी रहती है। तो ये बात हो गई डेक्सुलेक की। डेक्सुलेक के कुछ कॉन्स भी हैं। मेजर कॉन्स है कि इसके साथ स्कूप प्रोवाइड नहीं होता है, इसलिए मेजर करने में और बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इसका 1 kg का पैक इजीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें छोटे 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 पैक्स लेने पड़ते हैं। अगर हम बात करें लैक्टोजन की तो जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूट्रिशनली बिल्कुल सेम है डेक्सुलेक के ही जैसे है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। लैक्टोजन में वे प्रोटीन ज़्यादा है, वे प्रोटीन का अप्रॉक्सीमेटली 65% इज अ वे प्रोटीन। और जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि जो बच्चे वे प्रोटीन लेते हैं उनका डाइजेशन जल्दी अच्छा रहता है, क्योंकि वे प्रोटीन जो है वो जल्दी जल्दी पच जाता है, इसीलिए उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं होती है। इस साथ ही इसमें है L-ल्यूट्राई नाम का एक बेसिलाई। L-ल्यूट्राई जो है वो बच्चे का गट को हेल्दी करता है, क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया है। तो क्योंकि ये ओवरग्रो करता है तो बैड बैक्टीरिया कम होते हैं और फाइनली द सेम कॉन्सेप्ट कि बच्चे का गट हेल्दी रहता है। तो ये मेजर डिफरेंस था डेक्सुलेक और लैक्टोजन के बीच में। अगर बच्चे को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप लैक्टोजन ले सकते हैं, अदरवाइज बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लैक्टोजन या डेक्सुलेक में से कोई एक चूज कर सकते हैं। दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द दे सकूं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।